टू फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शांति कोली ब्लॉग में स्वागत है। हम सब नहा लिए हैं, अब सुबह की पूजा करने जा रहे हैं। चलिए फिर पूजा करते हैं। अब हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम सब चाय पीते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। अब हम सब चाय पी चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 2 hours later अब 2:30 बज चुके हैं, पोती का स्कूल से आने का समय हो चुका है, अब मैं पोती को लेने जा रही हूँ। पोती स्कूल से आ चुकी है, उसे नहला दिया है, लंच करा दिया है, अब मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। ये देखिए मेरी पोती। हाय फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, बाय, मैं बाद में मिलूंगी, बाय। शाम की पूजा का समय हो चुका है, अब हम सब पूजा करते हैं। शाम की पूजा हो चुकी है हमारी, अब खाने की तैयारी करते हैं। आज हम खाने में साबुदाने की खीर और साबुदाने की आलू मिक्स करके हम पकोड़े बना रहे हैं। चलिए फिर आपको रेसिपी दिखाते हैं, आइए। हमने 250 ग्राम साबुदाना लिया है, जो हमें आधे की खीर बनानी है, आधे हमें आलू में मिक्स करने हैं। ये देखिए हमने आलू पहले से उबाल रखे हैं। दूध लिया है हमने 1/2 किलो, 1 कटोरी चीनी ली है, घी लिया है हमने थोड़ा, और ये नारियल लिया हमने जो कद्दूकस कर रखा है। ये नारियल पानी वाला नारियल है, आप सूखा नारियल डाल सकते हो। मेरे घर में पानी वाला नारियल था तो इसलिए मैं पानी वाला नारियल डाल रही हूँ, आप सूखा नारियल डाल सकते हो। हरी इलायची हमने पीस रखी है, किशमिश लिए हमने थोड़ी सी, अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करता डाल सकते हो, मैं तो किशमिश डाल रही हूँ सिर्फ। पकौड़े के लिए हमने हरी मिर्च काट रखी बारीक करके, सेंधा नमक, हरा धनिया जो हमने बारीक काटा हुआ है। चलिए फिर बनाते हैं खीर। हमने गैस पे भगोना चढ़ा दिया है, अब हम इसमें घी डालते हैं। घी गर्म हो चुका है, अभी साबुदाना डालते हैं। साबुदाना अच्छे से मिक्स कर लो। अच्छे से भून लेना घी में इसको। इसमें हम कच्चा जो नारियल हमने कद्दूकस किया है वो डालते हैं, आप सूखा नारियल भी डाल सकते हो। दूध हमने पहले से गर्म किया हुआ था, अब दूध डालते हैं इसमें। दूध में अच्छे से मिक्स कर लो। ये हमारे दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हमें थोड़ी धीमी आंच में पकाना है। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा ये पक चुका है, अब चीनी डालते हैं। चीनी आप जितना मीठा खाते हो उतना डाल लेना। इसके बाद हम किशमिश डालते हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, काजू बादाम जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालते हैं, इलायची पाउडर से खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने में भी टेस्टी आता है।
अब हमारे साबुदाने की खीर पक चुकी है। ये देखिए साबुदाने, देखिए कैसे गोल गोल दिख रहे हैं, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब गैस बंद कर देते हैं। अब हम पकौड़े के लिए सामान तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, जब तक हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। आलू आप ऐसे मिक्स लीजिए हाथ से। अब इसमें साबुदाना मिक्स करते हैं। साबुदाना पहले धो के भिगो लिया करो थोड़ा, उससे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, भीगने के बाद पकौड़े भी अच्छे बनते हैं। और इसमें हमारी मिर्च डाल रहे हैं, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। अगर आप ज्यादा चटपटा खाना खाते हो तो आप इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। इसको ऐसे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साबुदाना और आलू धनिया सब अच्छे से मिक्स कर लो हाथ से। अब हमारा मिक्सचर भी तैयार हो चुका है गाइज, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। आप पकौड़े बनाओगे जब हाथ में थोड़ा तेल लगा लेना, तेल लगा के तब आप इसको ऐसे करके ऐसे गोल गोल करके तब आप डालना, नहीं तो ये तेल में फिर बिखरने का डर होता है ना, फिर बिखर जाते हैं, क्योंकि साबुदाना जो होता है वो बिखर जाता है। इसलिए हम हल्का हल्का इसमें ऑयल लगाते हैं हाथ में। आप इसको गोल भी बना सकते हो, आप लंबे करके भी बना सकते हो। ये देखिए मैं दो तरीके के बनाती हूँ, एक गोल एक लंबे आकार के। खाने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसको हल्के हल्के हाथों से हमने पलटना है। तेज नहीं पलटना, क्योंकि अगर हम तेज पलटेंगे तो ये बिखरने का डर है। देखो धीरे धीरे पलटना है इनको। हमारे पकौड़े ये देखिए कितने ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे ही हमें बाकी के बना लेने हैं। ये देखिए हमारी बन चुकी है साबुदाने की खीर और साथ में साबुदाने के पकौड़े। देखिए कैसे लग रहे हैं पकौड़े आपको। आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।